हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फारा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ, टू वर्ड्स इंग्लिश सेंटेंसेस। जी हाँ, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो ये टू वर्ड्स इंग्लिश सेंटेंसेस आप बोल के इंग्लिश में काम चला सकते हैं। आपको कुछ मतलब ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वर्ड सीख लीजिए ताकि आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकें और सामने वाले का इंप्रेशन भी अच्छा होगा। तो गाइस चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस क्या है। व्हाट्स अप, यानी कि क्या हो रहा है। व्हाट्स अप, बहुत दिनों बाद मिलते हैं आप अपने फ्रेंड से, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स अप, यानी कि क्या हो रहा है। तो अब से आप बस ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करना है, भले ही टू वर्ड्स इंग्लिश में ही क्यों नहीं। हुज डैट, मान लीजिए समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं इन इंग्लिश हुज डैट, यानी कि कौन है। हुज डैट, कौन है। इट्स मी, मैं हूँ, तो सामने वाला बोलेगा मैं हूँ। इट्स मी, यानी कि मैं हूँ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स मी, यानी कि मैं हूँ। द नेक्स्ट इज ही चकल्ड। ही चकल्ड, यानी कि वह मंद मंद मुस्काया। चकल्ड माने मुस्काया, मुस्कुराना होता है, धीरे धीरे दबी दबी सी हंसी, मुस्काना, मंद मंद मुस्काना। द नेक्स्ट इज कम इनसाइड, अंदर आए। कम माने आना, अंदर माने इनसाइड, अंदर आए। कम इनसाइड, कम इनसाइड, अंदर आए। द नेक्स्ट इज हैव सीट। हैव सीट, यानी कि बैठिए, बी सीटेड, बैठे रहिए। हैव सीट, कोई मेहमान आता है तो हम लोग ये बोलते हैं ना, हैव सीट, यानी कि बैठिए। कॉल हिम, उसे बुलाओ, यानी कि समझ लीजिए कि समवन इज कॉलिंग एंड यू जस्ट पिक अप द फोन एंड दे से डैट कॉल योर ब्रदर, आई हैव टू टॉक, यानी कि मुझे आपके भाई से बात करना है, तो आप बोल सकते हैं कॉल हिम, मतलब भैया को बुलाओ। टेक स्नैक्स, नाश्ता लीजिए। टेक स्नैक्स, नाश्ता लीजिए। गेस्ट आते हैं तो आप बोलते हैं टेक स्नैक्स, यानी कि टेक माने लेना, स्नैक्स माने नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता। हेल्प योर सेल्फ, खुद से लीजिए। हेल्प योर सेल्फ, खुद से लीजिए, खुद से नाश्ता कीजिए ना, लीजिए ना आप नाश्ता लीजिए, तो हेल्प योर सेल्फ उसको बोलेंगे इंग्लिश में, खुद से लीजिए। द नेक्स्ट इज आफ्टर यू, तो बोले नहीं नहीं अभी नहीं, पहले आप लीजिए, पहले आप, पहले आप, बोलते नहीं पहले आप, पहले आप में बस छूट गई, तो पहले आप यानी कि आफ्टर यू, आफ्टर यू, पहले आप। ईट इट, इसे खाएं, इसे खाएं, मैंने इसे बनाया है, तो मम्मा वगैरह जोर देती ना, इसे खाए ना, ये तो घर का बना हुआ है। ईट इट, इसे खाएं, ईट माने खाना है, ईट माने इसे, इसे खाएं। कीप ईटिंग, खाते रहिए, खाते रहिए, मैं अभी थोड़ा किचन से आती हूँ चाय बनाकर, यानी कि आप रुकिए मत, आप खाते रहिए, तो आप ये भी बोलते हैं ना कीप ईटिंग, या फिर छोटे बच्चे से भी बोलते हैं तुम खाते रहो मैं आ रही हूँ, कीप ईटिंग, आई एम जस्ट कमिंग। ड्रिंक वाटर, पानी पीजिए। ड्रिंक माने पीना, वाटर माने पानी, पानी पीजिए। बच्चे को आप बोल सकते हो ड्रिंक मिल्क, दूध पियो, तो ऐसे ड्रिंक माने पीना, वाटर माने पानी। कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आए, मान लीजिए आपका घर 2-3 स्टोरी है और आपको नीचे जाना है, तो नीचे को बोलेंगे डाउन स्टेयर्स, यानी कि कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आओ, नीचे आओ, डाउन स्टेयर्स। गो आउटसाइड, गो माने जाना, आउटसाइड माने बाहर, गो आउटसाइड, और ऐसे ही होता है गेट आउट, यानी कि बाहर निकलो, भगा देना बाहर, गेट आउट फ्रॉम हियर। होल्ड दिस, इसे पकड़ो, होल्ड माने पकड़ना, दिस माने इसे, होल्ड दिस, होल्ड दिस, आई एम जस्ट कमिंग विद इन अ मिनट, इसे पकड़ो मैं अभी आ रही हूँ। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन एंड यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर से कोशिश करो और तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, प्रॉब्लम जैसे मैथ्स में आ जाती है ना सॉल्व करना। डोंट वरी, घबराओ नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, मैं घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डोंट बी अपसेट, वाई यू आर सो वरीड, ऐसे बोलते हैं ना, तो डोंट वरी, घबराओ नहीं। समथिंग स्पेशल, मान लीजिए आप कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, किसी को सरप्राइज देना जा रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, यानी कि मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। नथिंग स्पेशल, यानी कि कुछ खास नहीं, काफ़ी दिन बाद फ्रेंड से मिलते हैं तो फ्रेंड बोलते समथिंग स्पेशल, नो नथिंग स्पेशल, नहीं नहीं कुछ खास नहीं। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, यानी कि आराम कीजिए, रेस्ट माने आराम करना, टेक माने करना या फिर लेना, तो टेक रेस्ट, आराम कीजिए, टेक रेस्ट। द नेक्स्ट इज टेक अ नैप,
नैप माने होता है जो 15-20 मिनट की जो नींद होती है तो उसको नैप बोलते हैं। तो थोड़ी नींद लो, टेक अ नैप, थोड़ी नींद लो, टेक अ नैप। द नेक्स्ट इज डोंट स्नोर, स्नोर बोलते हैं खर्राटे को, तो डोंट स्नोर यानी कि खर्राटे मत लो ना। काफ़ी बार होता है कि बड़े खर्राटे ले जाओ और हम लोग को नींद नहीं आती, बच्चों को खासकर बच्चों को। पे अटेंशन, ध्यान दो, पे अटेंशन क्लास, तो अगर आप टीचर हैं तो आप बोल सकते हैं पे अटेंशन क्लास, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट सम नोटिस ऑन द बोर्ड, तो इस तरह आप बोल सकते हैं इन इंग्लिश। हैव पेशेंस, धैर्य रखो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, डू नॉट पैनिक यानी कि धैर्य रखो और इतना मत हड़बड़ाओ। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस। से गुड बाय, अलविदा कहो, से माने कहना, गुड बाय माने अलविदा। तो मम्मा बोलती है ना कि जाओ अंकल को गुड बाय करके आओ, कह के आओ, से गुड बाय। वेव गुड बाय, वेव माने हाथ हिलाकर गुड बाय करना, तो उसको बोलेंगे वेव गुड बाय, हाथ हिला के गुड बाय करना। तो अलविदा करो, वेव गुड बाय। द नेक्स्ट इज सी यू, सी यू यानी कि फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, फिर से मिलते हैं, सी यू। तो आप बोल सकते हैं ऐसे, सी यू, विल मीट यू अगेन। द नेक्स्ट इज बी हैप्पी, बी माने रहना, हैप्पी माने खुश, यानी कि खुश रहिए, बी हैप्पी। बी क्वाइट, चुप रहिए, तो इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। तो गाइज दिस वॉज माई वीडियो, कैसा लगे आप प्लीज़ बताइए।